राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने पुष्टि की है कि राज्य में 7,500 लोगों की जांच में खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस के 21 मामले मिले हैं, जिसमें मुंबई के 2 लोग शामिल हैं। रत्नागिरी में डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा 9 मामले सामने आए हैं। जलगांव में 7, मुंबई में 2 और पालघर, ठाणे, सिंधुदुर्ग जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट 1 केस आया है। ये सैंपल्स 15 मई को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। डेल्टा प्लस के मामले के बाद सभी जिलों की स्वास्थ्य मशीनरी को सतर्क कर दिया गया है। राजेश टोपे ने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट तेजी से नहीं फैलता, लेकिन यह वायरस ज्यादा घातक है। उन्होंने बताया कि हम इस बात पर भी रिसर्च कर रहे हैं कि क्या को वैक्सीन और कोविशील्ड को यह डेल्टा प्लस वेरिएंट एस्केप कर पाता है या नहीं। इसके लिए ज्यादा सैंपल्स की जरूरत पड़ती है। फैलने वाला डेल्टा वेरिएंट अब डेल्टा प्लस में तब्दील हो गया है। इसमें 15 से 20 मामले तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश से मिले हैं। यह कितनी तेजी से फैलता है, अभी इसकी जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में डेल्टा प्लस से संक्रमित 4 लोगों की मौत हो गई है। हर डिस्ट्रिक्ट में 100 केसेस सैंपल्स की तौर पर ले रहे हैं और इस 100 सैंपल्स के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट इसमें आइडेंटिफाई हो रहा है या नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि करीबन 7,500 केसेस के सैंपल्स लिए गए। 15 मई के बाद यह प्रोग्राम शुरू हुआ है और इन सैंपल्स में 21 डेल्टा प्लस वेरिएंट आइडेंटिफाई हुए हैं और यह जो 21 केसेस है वे रत्नागिरी में 9, जलगांव में 7, मुंबई में 2, पालघर, सिंधुदुर्ग एंड ठाणे में 1 रिस्पेक्टिवली, ऐसे यह केसेस मिले हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन केसेस के हद तक स्वास्थ्य विभाग ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, 1, जो इंडेक्स केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं उसके पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। दर्शकों, हो सकता यह इंफॉर्मेशन आपके या किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है। एक दूसरे के काम आना यही तो इंसानियत है। परोपकार या नेक दिली दिखाने की चीज नहीं है। बिना स्वार्थ किसी का मदद करना ही नेक दिली है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य जानकारी ले सकते हैं। 2 गज की दूरी हम सबके लिए है जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही खुद की और सबकी रक्षा कर सकते हैं। बिना वजह घर से बाहर ना जाए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। दर्शकों, हो सकता यह इन्फॉर्मेशन आपके या किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है। एक दूसरे के काम आना यही तो इंसानियत है। परोपकार या नेक दिली दिखाने की चीज नहीं है। बिना स्वार्थ किसी का मदद करना ही नेक दिली है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य जानकारी ले सकते हैं। 2 गज की दूरी हम सबके लिए है जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही खुद की और सबकी रक्षा कर सकते हैं। बिना वजह घर से बाहर ना जाए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।